रक्षाबंधन यानि नारियल पूर्णिमा। मुंबई के कई समुद्री इलाकों में इसे नारियल पूर्णिमा या कोकोनट फुलमून के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से समुद्र देवता पर नारियल चढ़ाकर उपासना की जाती है और नारियल की तीन आंखों को शिव के तीन नेत्रों की उपमा दी जाती है। बुंदेलखंड में राखी को कजरी पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन कटोरे में जौ व धान बोया जाता है तथा सात दिन तक पानी देते हुए माँ भगवती की वंदना की जाती है। उत्तरांचल के चंपावन जिले की देवी धुरा मेले में राखी पर्व पर बाराही देवी को प्रसन्न करने के लिए पाषाण काल से ही पत्थर युद्ध का आयोजन किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में बगवाल कहते हैं। हरियाणा राज्य में अवस्थित कैथल जनपद के फतेहपुर गांव में सन 1897 में एक युवक गिरधर लाल को रक्षाबंधन के दिन अंग्रेजों ने तोप से बांधकर उड़ा दिया। इसके बाद से गांव के लोगों ने गिरधर लाल को हुतात्मा का दर्जा देते हुए रक्षाबंधन पर्व मनाना ही बंद कर दिया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 150 वर्ष पूरे होने पर सन 2006 में जाकर इस गांव के लोगों ने इस पर्व को पुनः मनाने का निर्णय लिया। 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन को बंगालियों के बीच परस्पर भ्रातृभाव के प्रतीक के रूप में प्रचारित करके राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। रक्षाबंधन के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।